पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती के द्वारा सेवा भारती द्वारा संचालित बाल विकास विद्यालय पैरा की मिलक मुरादाबाद में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। लघु उद्योग भारती के द्वारा मुरादाबाद बाल विकास विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता जिम्मी रहे और मुख्य वक्ता लघु उद्योग भारती के मेरठ संभाग महामंत्री अमित अग्रवाल रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम बच्चों के साथ अतिथियों ने ध्वज फहराकर राष्ट्रगान का गायन किया। ध्वजारोहण के बाद बच्चों के द्वारा सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों की सुंदर प्रस्तुति देखकर सभी उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई की तो वहीं सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में LUB के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता जिम्मी, मेरठ संभाग महामंत्री अमित अग्रवाल, LUB मंडल अध्यक्ष हेमंत जुनेजा, मंडल महामंत्री अतुल भूटानी, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष अंशुल अग्रवाल, संरक्षक अजय शाह उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में अजय शाह कुलीन जी, विद्यालय के अध्यक्ष मान्य हरि गोपाल, प्रबंधक दानवीर गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत व्यवस्था प्रमुख अजय गोयल ने ध्वजारोहण किया और मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में मुरादाबाद महानगर के सेवा भारती के सभी पदाधिकारी, प्रबंध समिति के सभी सदस्य, लघु उद्योग भारती के भारत विकास परिषद के सभी गणमान्य कार्यकर्ता, संघ के भी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं के माध्यम से सरस्वती वंदना, स्वागत गान, राम केवट संवाद आदि सराहनीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों, आप हमने बहुत सुना होगा आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है ये क्या है? ये आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के आजाद होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यानी कि हमारे देश को आजाद हुए हुए 75 वर्ष हो गए हैं और इस उत्सव में इन 75 वर्ष के बीच में जो हमारे देश के लोगों ने और हमारी संस्कृति ने उपलब्धियां प्राप्त करी है, ये उसका एक जश्न है। ठीक है, समझ में आई आप लोगों का अमृत महोत्सव आजादी का क्या है? ये महोत्सव, ये उत्सव देश की जनता को समर्पित किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, क्योंकि वो ये मानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति में उसकी जनता का सबसे ज्यादा योगदान रहता है और हमारे देश को यहाँ तक लाने में इसकी जनता का योगदान है और विश्व गुरु बनाने में भी हमारे देश की जनता का योगदान रहेगा और एक दिन हमारा देश विश्व का गुरु बनकर रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।